आज हमारे देश के महान क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्मदिन है। और देखिए, विपक्ष ने आज ही के दिन सैनिकों की भर्ती पर कैसा विवाद खड़ा किया। क्या सैनिक की भी कोई जाति होती है? देश के विपक्षी नेताओं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स ने भारतीय सेना को जातिवादी होने का तमगा दिया है। इस विवाद की शुरुआत आज सुबह आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने की। इन दोनों नेताओं ने अग्निपथ भर्ती वाले फॉर्म का एक स्क्रीनशॉट लेकर उसे शेयर किया। इसमें भर्ती के लिए जाति प्रमाण पत्र और धर्म की जानकारी मांगी गई। विपक्ष के नेताओं ने यह आरोप लगाया कि अग्निपथ स्कीम के तहत जाति के आधार पर भर्तियां की जा रही हैं। इन ट्वीट्स के बाद भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे। लेकिन हम आपको इन आरोपों और इनकी सच्चाई के बारे में आज विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि भारतीय सेना में भर्ती के लिए जाति और धर्म पूछे जाने का प्रावधान आज का नहीं है, बल्कि बहुत पुराना है। यह नियम आजादी से पहले से चलता आ रहा है। इसमें कभी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। सुनने में भले ही ये जातिवादी व्यवस्था लगती हो, लेकिन सेना की भर्ती में जाति का कभी भी कोई आधार नहीं रहा। यह व्यवस्था हर सरकार के दौरान सेना की भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनी रही है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। जाति आधारित भर्ती किए जाने के गलत आरोपों पर बीजेपी ने विपक्षी नेताओं पर सेना को बदनाम करने का आरोप लगाया। 2013 में ही एक सत्यपत्र अर्थात एफिडेविट सबमिट करके भारत की सेना ने सुप्रीम कोर्ट में अपने मत को स्पष्ट किया था और कहा था कि देयर इज नो रोल इन द सिलेक्शन प्रोसेस एज फार एज कास्ट इज कंसर्न। क्या ये कांग्रेस पार्टी नहीं जानती? क्या ये आम आदमी पार्टी नहीं जानती? फिर भी इंडियन आर्मी को अखाड़े में घसीट के लाना और उसके साथ दो दो हाथ करने की ये प्रवृत्ति उचित नहीं है। कहीं ना कहीं ये राजनीति करते करते देश की आर्मी को बदनाम करने का काम है। भारतीय सेना की देशभक्ति और क्षमता पर भारत के दुश्मनों को भी कभी कोई शक नहीं रहा। लेकिन हमारे ही देश के अंदर मौजूद कुछ लोग अक्सर इसी शंका से घिरे रहते हैं। भर्ती के लिए जाति और धर्म भले ही पूछा जाता है, लेकिन सच्चाई यही है कि हर भारतीय सैनिक की एक ही जाति है और वो है हिंदुस्तानी। भारतीय सेना की स्थिति यह है कि बाहरी दुश्मनों से निपटने के बाद उन्हें अपने ही देश में जगह जगह जवाब देना पड़ता है। उन्हें विपक्ष के नेताओं को भी जवाब देना है, उन्हें मीडिया को भी जवाब देना है। उन्हें हर बार ये साबित करना है कि देश की सुरक्षा के लिए जो वीरता उन्होंने दिखाई वो जरूरी थी। उन्हें अदालत को भी जवाब देना पड़ता है, पत्रिकाओं में कॉलम लिखने वाले मानव अधिकारों के चैंपियंस को भी जवाब देना पड़ता है। मतलब ये कि सेना को देश विरोधी ताकतों से भी लड़ना है और देश के अंदर ही मौजूद सेना विरोधी ताकतों को भी उन्हें जवाब देना है। पूर्व CDS जनरल बिपिन रावत ने एक बार इसी स्थिति को अपनी एक थ्योरी के जरिए बयां किया था और उस थ्योरी का नाम था 2.5 फ्रंट थ्योरी। इसमें एक फ्रंट पर पाकिस्तान है, दूसरे फ्रंट पर चीन है और आधे फ्रंट पर हमारे देश के ही अंदर बैठे हमारे दुश्मन हैं। भारतीय सेना जिन दुश्मनों से हमें बचाती है वो चीन और पाकिस्तान जैसे देश हैं, जहां सेना को सुप्रीम पावर माना जाता है। चीन की सेना को सैन्य कार्रवाई के लिए सिर्फ वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जवाब देना है। वहां लोकतंत्र नहीं है, विपक्ष का कोई अर्थ ही नहीं है और वहां पर मानव अधिकार कार्यकर्ताओं की कोई नहीं सुनता। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी सेना को किसी बात का जवाब देने की जरूरत नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है उनकी। वहां की सेना के पास एक फ्री हैंड है और सेना के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है, जिससे वो पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार को भी कंट्रोल करती है। अब आप सोचिए, ऐसी सेनाओं के सामने भारतीय सेना के हाथ विपक्ष के सवालों से बंधे हुए दिखते हैं। बंधे हुए हाथों वाली हमारी सेना को उनसे भिड़ना है जो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। मशहूर अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, सच जब तक अपने जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ आधी दुनिया का सफर तय कर चुका होता है। आज अग्निपथ स्कीम को लेकर विपक्षी नेताओं ने भी यही किया है। एक ट्वीट करके भ्रम फैला दिया, सेना और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और अब यह स्थिति हो गई कि सरकार पूरे दिन सफाई देती रही। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आजादी के पहले से, वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जाति की जो मांग की गई है सर, मैं जो कह रहा हूं जो पुरानी व्यवस्था रही है वही व्यवस्था चली आ रही है। अब इसके आगे मुझे क्लेरिफाई करने की समझता हूं कोई जरूरत नहीं। आर्मी रूल 1956
और डिफेंस सर्विस रेगुलेशन 1987 के अनुसार ही भर्ती होती है, वही प्रक्रिया को अब भी जारी रखा गया है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी जैसे गुमराह करने का प्रयास करते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ के नए आयाम स्थापित करते हैं। जाति और धर्म का पूछा जाना ऐतिहासिक रूप से ब्रिटिश हुकूमत के दौर से जुड़ा हुआ है। वर्ष 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने सेना में कई बड़े बदलाव किए थे। उन्होंने भारतीयों की सेना भर्ती के लिए खास तौर पर एक जाति आधारित व्यवस्था बनाई। ब्रिटिश आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल जोनाथन पील की अगुवाई में एक कमीशन बनाया गया। जोनाथन पील कमीशन को वफादार और लड़ाकू सैनिकों की भर्ती की जिम्मेदारी दी गई और उस वक्त भारतीयों को जाति के आधार पर लड़ाकू और गैर लड़ाकू नस्लों में बांटा गया। लड़ाकू नस्लों में उत्तर भारत में मौजूद जातियों को प्रमुखता दी गई थी और ये मजबूत कद काठी के लोग माने जाते थे। ब्रिटिश आर्मी ऐसा करके जातियों की एकजुटता को भी तब खत्म करना चाहती थी ताकि दोबारा 1857 जैसा विद्रोह कभी ना हो। आजादी के बाद यह नियम वर्ष 1949 में स्पेशल आर्मी ऑर्डर के तहत शामिल किया गया। वर्ष 1987 में सेना की नियमावली में एक संशोधन हुआ और इस नियमावली के खंड एक में भर्ती से जुड़े सारे नियम बताए गए हैं और इस नियमावली के हिसाब से बनाया गया फॉर्म आज मैं अपने हाथ में लेकर आया हूं। मेरे पास है वो, ये पहले आप देखिए, ये सेना की वो विनियमावली है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था और इसका फॉर्म भी मैं लेकर आया हूं और फॉर्म में क्या लिखा है बताता हूं आपको। फॉर्म नंबर एक में सैनिक भर्ती के लिए व्यक्तिगत जानकारियां मांगी गई है और इस फॉर्म के कॉलम 6A में जाति, धर्म और उपधर्म की जानकारी मांगी गई है और कॉलम 6C में जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है। ये कागज देखकर पता चलता है कि जिस नियम को लेकर सेना की भर्तियों में जातिवाद का आरोप आज लगाया जा रहा है, ये नियम बहुत पुराना है और पिछले कई वर्षों से, दशकों से सेना में भर्ती के लिए निकल रहे फॉर्म्स में हर बार, हर साल यही जानकारी मांगी जाती रही है। तब किसी को कोई समस्या नहीं हुई, किसी विपक्षी नेता ने तब कभी कोई सवाल नहीं उठाया, ये सवाल आज उठ रहे हैं। जाति और धर्म की जानकारी मांगने के पीछे एक खास परंपरा है। दरअसल युद्ध की स्थिति में शहीद सैनिकों के अंतिम संस्कार से जुड़े क्रियाक्रम में भी इस जानकारी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि शहीद को उचित सम्मान दिया जा सके। अब आपने देखा होगा कि हमारा विपक्ष लगातार गलतियां कर रहा है और बिना होमवर्क और रिसर्च किए ऐसे मुद्दे उठा रहा है। विपक्ष ने हाल ही में 3 गलतियां की हैं जो आज हम आपको बताना चाहते हैं। पहली गलती, बिना तथ्य जाने अग्निवीर योजना में भर्ती के लिए सैनिकों की जाति पूछने का उन्होंने मुद्दा उठाया, ये पहली गलती है। और बाद में पता चला कि जाति पूछने की परंपरा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है लेकिन इसका सेना में भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे विपक्षी नेताओं ने इस पर कोई रिसर्च नहीं की। अब देखिए विपक्षी गलती नंबर 2, असंसदीय शब्दों की सूची को लेकर भी हाल ही में विपक्ष ने बिना तथ्यों की जांच पड़ताल किए ये मुद्दा उठा लिया था और इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ दिया था। आपको याद होगा इसी हफ्ते की बात है, लेकिन बाद में पता चला कि लोकसभा सचिवालय असंसदीय शब्दों की इस तरह की सूची दशकों से ऐसे ही जारी करता आ रहा है और इसमें कोई नई बात नहीं है और तब विपक्ष के किसी नेता ने इस पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया, अब उठा रहे हैं। और अब विपक्ष की तीसरी गलती देखिए, कुछ दिन पहले यह आदेश जारी हुआ था कि संसद भवन के परिसर का इस्तेमाल धरना प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन या धार्मिक समारोह के लिए नहीं किया जा सकता। हमारे विपक्ष ने इसे भी एक मुद्दा बना लिया और कहा कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, लेकिन सच यह है कि पहले भी धरना न देने के ऐसे आदेश जारी होते रहे हैं संसद में। विपक्ष के नेताओं को हमारी सलाह यही रहेगी कि अगली बार जब वो मुद्दा उठाएं तो वो सोच समझकर, रिसर्च करके उठाएं।